इनको भी निशान हैदर मिला था कारगिल वॉर में। कारगिल वॉर में एक था हवलदार लालक जान और दूसरे कर्नल शेरहान, ये वफात पा गए थे। तो कर्नल शेरहान को हवलदार लालक जान से पहले और हवलदार लालक जान को लास्ट में जो है वो निशान हैदर मिला है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बिलाल अहमद एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट PMA 154 एक्सपीरियंस MCQs। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ऐसे 15 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने आपसे पहले पेपर दिया था, ये MCQs उनके टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे थे। तो अगर आप लोग अपने PMA 154 के इनिशियल टेस्ट को पास करना चाहते हो तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट MCQs इज हु इज द फाउंडर ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस या इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं और इसको बनाने वाले थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बेसिकली हमारे पास जो MS ऑफिस है ये 1 अगस्त 1988 को बनाया गया है, यानी आप कह सकते हो दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 1, 1988। इट इज़ द फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर विच इज़ बेसिकली रन इन आवर फोन एज वेल एज इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। एक्सक्यूज नंबर टू इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज रिपीट अगेन एंड अगेन, एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नाइल रिवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द टोटल लेंथ ऑफ नाइल रिवर इज 6650 किलोमीटर। एंड टर्म ऑफ वॉल्यूम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज अमेजोन रिवर। यंगजी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, while Indus river is the longest river in Pakistan, and sometime the total length of Indus river asked. So the total length of Indus river is 3120 kilometers. Excuse number 3 is longest surah of the Holy Quran is. So first of all you have to know that in the Holy Quran there are total 30 para. इन 30 पारों में कुरान मजीद में टोटल 114 सूरा है, एंड दीज 114 सूरा डिवाइड इनटू मक्की सूरा एंड मदनी सूरा। द टोटल नंबर ऑफ सच द इन द होली कुरान आर 14। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा जिस तरह एमसीक्यूज नंबर 3 में पूछा गया है वो सूरा अल बकरा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्स 285 है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा वो सूरह अल कौसर है। कुरान मजीद की वो सूरा जिसमें कलमा दो दफ़ा है वो है सूरह अल नमल, और कुरान मजीद की वो सूरा जो कलमे के बग़ैर स्टार्ट होती है वो है सूरह अल तौबा। एक्सक्यूज नंबर 4 इज़ योम तकबीर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, मीन 28 मई। अब योम तकबीर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑन 28 मई 1998 पाकिस्तान कंडक्टेड देयर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर टेस्ट, यानी इन लोगों ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इसे टेस्ट किया था 28 मई 1998 को, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड ऑन चागई महल्स विच इज़ बेसिकली लोकेटेड इन बलोचिस्तान। एक्सक्यूज नंबर 5 इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन कलर इन पाकिस्तान फ्लैग। सो पाकिस्तान फ्लैग में जो ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है इस्लाम एंड मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसके अलावा जो हमारे फ्लैग में वाइट कलर है ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्यूज नंबर 6 इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लास्ट इज। So you have to remember that the superlative degree of last is no degree, यानी superlative degree जो है वो last की कोई भी नहीं है। Excuse number 7 is capital of Pakistan before Islamabad। चूँकि आप लोगों को तो ये पता है that the current capital of Pakistan is Islamabad, but before Islamabad the capital city of Pakistan is Karachi। कराची स्टूडेंट्स पाकिस्तान की 1947 से लेके 1959 तक जो है ये कैपिटल सिटी रह चुकी है।
Then Karachi was changed to Rawalpindi. From 1959 to 1967, the capital city of Pakistan is Rawalpindi. In 1967 mein ek act pesh kiya gaya aur Islamabad ko Pakistan ki capital city karar di gayi. MCQ number 8 is sin 180 degree is equal to. So aap yahan se table dekh bhi sakte ho. Ye hamara hai sin theta. और साइन 180 हमारे पास बराबर होता है जीरो के. एक्सक्यूज में 9 इज लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज. सो यू हैव टू नो दैट देयर आर टोटल 5 ओशंस इन दिस वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन. एंड सम टाइम अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज. सो द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन. And the second largest ocean of this world is Antarctic Ocean. A question is asked about Mariana Trench. So Mariana Trench is also located in Pacific Ocean. MCQ number 10 is most abundant element in the universe is. So हमारे universe में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो element है वो है hydrogen. हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में राउंड अबाउट 74% प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, नॉट इन आवर एटमॉस्फेयर. और सेकंड नंबर पर इसको फॉलो करता है हेलियम जो राउंड अबाउट 25% है. एक्सक्यूज नंबर 11 इज इन इंग्लिश एंड इज अ ब्लैंक. सो स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट यू हैव टू फोकस ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. हेयर एंड इज बेसिकली अ कंजंक्शन. कंजंक्शन आर दोज वर्ड्स जो करते क्या है किसी सेंटेंस में दो अल्फाज को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं या जोड़ते हैं. जिस तरह अगर मैं कहूँ बिलाल एंड हिलाल आर ब्रदर्स, तो बिलाल एंड हिलाल में जो एंड है ये हमारा क्या है, ये कंजंक्शन है. एक्सक्यूज नंबर 12 इज ब्लैंक गज़वाज आर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान. तो कुरान मजीद में टोटल नंबर ऑफ अज़वाज जो मेंशन है वो है 11. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच अल्फाबेट इज मोस्टली यूज इन होली कुरान. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन होली कुरान द मोस्ट यूज अल्फाबेट इज अलिफ. अगर आप 15 नंबर पारे को स्टूडेंट्स खोलोगे उसको पढ़ोगे तो उसका हर आयात जो है वो अलिफ के साथ ख़त्म हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 14 इज हु रिसीव लास्ट निशान हैदर. So first of all you have to remember that the first receiver of Nishan-e-Haider is Captain Muhammad Sarwar and the last receiver of Nishan-e-Haider is Hawaldar Lalak Jan. Students Colonel Sher Khan bhi the jo basically Sawabi se belong karte hain, inko bhi Nishan-e-Haider mila tha Kargil War mein. Kargil War mein ek tha Hawaldar Lalak Jan aur dusre Colonel Sher Khan ye wafat pa gaye the. तो कर्नल शेर खान को हवालदार लगजान से पहले और हवालदार लगजान को लास्ट में जो है वो निशान हैदर मिला है. अगर हम राशिद मिनहास की बात करें तो स्टूडेंट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री में सिर्फ यही एक बंदा है जिसको जो है वो निशान हैदर मिला है एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद निशान हैदर इन द ईयर 1971. एक्सक्यूज नंबर 15 इज हु इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान. So the first elected president of Pakistan is Iskandar Mirza and he was elected in the year 1956. So students PMA 154 test preparation ke ye the kuch experience MCQs. Umeed karta hu aapko aaj ke tamam MCQs clear hue honge aur agar phir bhi aap logo ko koi bhi confusion ho, koi bhi doubt ho to aap log mujhse comment section mein ya mujhse mere WhatsApp number par raabta kar sakte ho. इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.